मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 69, जिसकी दिनांक 18 दिसंबर 2020 है, आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनके बहुत अच्छे उत्तर आज मैं आपके लिए लिखकर लेकर आई हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक रहेगा जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, इसका भाग टू आज हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, मैं इसकी पहले आप लोगों को थोड़ी सी बता देती हूँ समरी की, ये जॉर्ज पंचम की नाक से क्या मतलब है। देखो बच्चों, आप लोगों को पता ही है, हमने पहले पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, भारत और नेपाल के दौरे के लिए निकलती हैं, तो उनके साथ क्या कौन कौन निकलते हैं इंग्लैंड से? उनके बावर्ची, उनके अंगरक्षक, उनके टेलर, दर्जी भी उनके साथ भारत के दौरे पर निकलते हैं, क्योंकि रानी है और रानी के पहनावा, उनका वेशभूषा सब कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन की जाती है। तो जब वो भारत के लिए निकलती हैं तो सबसे पहले वो दिल्ली की तरफ से दौरा मतलब उनका दिल्ली की तरफ से दौरा स्टार्ट होता है, तो उनके दर्जी को बहुत बड़ी टेंशन होती है। वो ये सोचता है कि पता नहीं भारत में रानी एलिजाबेथ के लिए उपयुक्त कपड़ा, उपयुक्त धागा मिलेगा या नहीं। लेकिन खैर, इन सब बातों को छोड़कर रानी एलिजाबेथ को गुजर कर जाना था, यहाँ तक कि इमारतों को भी डेकोरेट करा दिया जाता है। बस सिर्फ एक बात की कमी हो जाती है और वो होती है कि इंडिया गेट के सामने जो मूर्ति लगी हुई थी जॉर्ज पंचम की, उसकी नाक अचानक टूट जाती है। तो अब सारे नेताओं की, राजनेताओं की सिर्फ यही टेंशन बनी हुई है, उनकी इज्जत जो उनकी इज्जत है, उनकी प्रतिष्ठा है, वो क्या है, दाव पे लगी हुई है कि अब कहीं रानी एलिजाबेथ की निगाहें इस जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ना पड़ जाएं, कि मूर्ति पर ना पड़ें जिसकी नाक अचानक टूट गई, और अब वो इस नाक को कैसे अरेंज कराएं। तब इसके लिए बहुत तरह की टाइम टू टाइम सभाएं बुलाई जाती हैं, मूर्तिकार को बुलाया जाता है, फाइलें खुलवाई जाती हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, कोई रास्ता नहीं निकलता कि जॉर्ज पंचम की नाक दोबारा कैसे लगवाई जाए। फाइलों से भी कोई पता नहीं चलता कि जॉर्ज पंचम की जो नाक बनी थी, जिस पत्थर से बनी थी, वो पत्थर कहाँ से ला गया था। टाइम टू टाइम दोबारा से सभाएं होती हैं, तो मूर्तिकार को, जो नेता होते हैं सभा के, बड़े बड़े नेता होते हैं, वो 40 करोड़ रुपए देने के लिए भी तैयार होते हैं कि कहीं से भी हमारी प्रतिष्ठा इस मूर्ति पर ही है, अगर रानी की निगाहें इस मूर्ति पर पड़ गई और उन्होंने देख लिया कि यहाँ के लोग तो एक मूर्ति को भी संभाल कर नहीं रख सकते, तो फिर हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो लेकिन बच्चों, जो भी मतलब जहाँ से जो भी नाक लाई गई, सभी की नाक बड़ी थी, यहाँ तक कि 1942 में एक बच्चे ने बलिदान में शहीद हो गया था, एक बच्चा शहीद हो गया था, उस जाता है कि एक जीवित व्यक्ति की नाक जॉर्ज पंचम में फिट की जाएगी, और फिर जीवित व्यक्ति की नाक लगा दी जाती है जॉर्ज पंचम की नाक पर, और तभी ये मुद्दा सुलझता है। तो बच्चों देखिए, तो मैंने आपको अच्छे से पूरी समरी बता दी है कि क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या इस पाठ का सारांश है। आपको ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आता, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर इस नाक का क्या रहस्य है, आखिर ये जॉर्ज पंचम कौन है। ये जॉर्ज पंचम हमारे इंडिया के नहीं हैं, ये उसी देश के हैं जहाँ से रानी एलिजाबेथ आ रही हैं। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह होता है कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो इज्जत है ना,
जोश परचम की नाक को कंपेयर किया गया है इज्जत से। तो बताया गया है कि किस तरह से मतलब हमारे देश के जो शहीद लोग हैं उनकी नाक यानी कि उनकी इज्जत एक बाहरी विदेशी की इज्जत से कई ज़्यादा बड़ी है, कई गुना ज़्यादा है, यहाँ तक कि उस बच्चे की इज्जत भी उस शहीद विदेशी व्यक्ति की इज्जत से कई ज़्यादा है। यानी जो अंग्रेज की मूर्ति जॉर्ज पंचम की मूर्ति वो थी, इससे पता चलता है कि अंग्रेजों ने जो बलिदान दिए हैं वो भारतीयों के बलिदान से बहुत छोटे थे, कई घिनौने थे। और यहाँ पर इस पाठ के द्वारा हमें यही समझाने का प्रयास किया गया है बच्चों। तो जल्दी से क्विक नज़र देख लेते हैं पाठ की तरफ। इस पाठ की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल है कि जो उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाठों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हुआ। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाठ की नाक एकाएक गायब हो गई। बच्चों मैंने आपको इसकी सारी समरी समझा दी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, क्या गश्त लगती रही और लाठ की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो एक एक परेशानी भरी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर खुआई की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि अब क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते हुए कि एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार को कलाकार भी कहा गया पर वो पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके थे, कुछ उदास थे, कुछ बदहवास थे। बदहवास का मतलब होता है बच्चों जो अपने होश और हवास में ना हो। उनकी हालत देखकर लाचार, क्योंकि सभी को जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, चाहे किसी भी कीमत पर नाक लगानी पड़े। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी हुकुम, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाठ कब और कहाँ बनी थी, इस लाठ के लिए पत्थर कहाँ से आया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक की नज़र में दूसरे ने कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक कलर को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चल सका। मतलब फाइलें खोजी गई लेकिन पता नहीं चला कि वो पत्थर कहाँ से आया है, किस पत्थर की बनी हुई थी जॉर्ज पंचम की नाक। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। तो बच्चों अब इसके देखो बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनके बहुत ही अच्छे उत्तर मैं लिखकर आपके लिए लेकर आई हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो बच्चों प्रथम उत्तर प्रश्न है आपका, क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर आंदोलन चल रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक को कैसे लगवाया जाए, क्योंकि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के दौरे पर थी। प्रश्न दो देख लेते हैं बच्चों, मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया था। मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की नाक लगवाने के लिए बुलाया गया था। प्रश्न नंबर तीन है, कलाकार किसे कहा गया और उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। मूर्तिकार को ही कलाकार कहा गया। सभा में बैठे सभी लोगों के चेहरे उदास, लड़के और बदहवास चेहरों को देखकर मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सभी लोगों की सभी नेताओं की इज्जत जो है दांव पर लगी हुई थी। तो बच्चों प्रश्न चार की तरफ बढ़ते हैं, लाठ के बारे में पता करने के लिए फाइलों के पेट, लाठ का मतलब नाक से है बच्चों यहाँ पर,
पेट चीरे गए और क्या हुआ? चीर ने और उनके सब कुछ हजम करने से आप क्या समझते हो? चीर ने आएगा बच्चों यहाँ पर, चीर ने, ठीक है। तो इस बात से हम यह समझते हैं कि फाइलों को खोजने के बाद भी जॉर्ज पंचम की नाक किस पत्थर से बनी है, पत्थर कहाँ से आया है, कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो अब बच्चों आपका पांचवा प्रश्न गतिविधि है जो आपको करना है, लेकिन मैंने आपकी सहायता के लिए, आपकी सुविधा के लिए कर दिया है। देखो बच्चों गतिविधि है, ये गतिविधि का जो पांचवा प्रश्न होता है ना, ये आप लोगों को अपने आप से करना होता है। आपने कोई ऐसे मुहावरे या व्यंगात्मक का मतलब हंसी मजाक वाली कोई ऐसी बातें सुनी हैं जिसमें नाक शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऐसे कोई 7 मुहावरे लिखकर उनका एक एक वाक्य आपको बनाना है। तो बच्चों देखो, पहले मैंने बनाया है नाक में दम करना, यानी कि बहुत परेशान करना, ओके। कुछ छात्रों ने कक्षा में अध्यापिका की नाक में दम कर रखा था। बच्चों आप भी करते हो अपनी अध्यापिका की नाक में दम? सेकंड नंबर पे मैंने बनाया है नाको चने चबाना, बहुत बुरी तरह से परास्त करना। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों को नाके चने चबवा दिए, नाको चने चबा दिए। नंबर 3 पे बच्चों मैंने लिखा है नाक रख लेना, मतलब इज्जत बचाना। मोहन ने एग्जाम में पास होकर अपने पापा की नाक बचा ली या बचाई। चौथे नंबर पर है नाक दबाने से मुंह खुलता है, मतलब कठोरता से ही कार्य सिद्ध होता है। मंत्री जी के कहने पर सभी अधिकारी तुरंत ही कार्य को संपन्न कराने में जुट गए, क्योंकि नाक दबाने से ही मुंह खुलता है। बच्चों पांचवें नंबर पर है नाक का बाल होना बहुत प्यारा होना, सीताराम की नाक का बाल थी। छठे नंबर पर मैंने लिखा है नाक कटना बदनामी होना, मोहन ने चोरी करके अपनी माँ की नाक समाज में कटा दी। अपने घर आता देख सीता अपनी नाक बहुत सिकोड़ने लगती है। तो जब हम किसी भी मेहमान को पसंद नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, उससे घृणा करते हैं, तो नाक बहुत सिकोड़ने लगते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये आज की कार्य पत्रक, जिसमें हमने जॉर्ज पंचम की नाक के रहस्य के बारे में जाना कि आखिर उनकी नाक का क्या रहस्य था, अच्छे से समझ ली है पूरे पाठ की दोनों भागों की समरी, और बच्चों उनके आसान से उत्तर भी मैंने आपको इस कार्य पत्रक में करा दिए हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगने पर और क्या करोगे आप, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, साथ ही आप बेल आइकन भी हिट करोगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।